Hello guys, I am making this video because when I was searching about a Triad bicycle on internet and on YouTube, I didn't get any video jo mujhe help kare ki whether I should go for the bike or no, right? So depending on a few reviews which I've got from choosemybicycle.com, and there were a few videos which were there on YouTube, unse jitna idea laga aur jo price range mein ye cycle milti hai wo sare cheezon ko maddenazar rakhte hue I bought it. Ab main aapko iska detail review de sakta hu, since this product is delivered by Amazon to me 2 days before. Halaki kafi waqt laga ye product deliver hone mein due to COVID situations. Mere khayal se around kuch 15-20 din lag gaye, but then finally I got it, and this is how the Triad M6 cycle looks like. So isme maine kya kara hai, isme maine aap jo yahan par seat dekh rahe hai, jo seat aati hai originally wo थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है, एंड उस पर आपको राइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो ये मैंने फुल्ली जेल सीट लगाई है, ये आई गेस समवेयर अराउंड 700 to 800 की है. वो लॉक जो आप देख रहे हो वो भी मतलब साइकिल के साथ नहीं आता एसेसरीज में, वो हमें लगाना होगा एडिशनली. एंड ये जो मडगार्ड आपको दिख रहा है, मडगार्ड भी मैंने ही लगाया है. तो बेसिकली जब आप साइकिल ऑर्डर करते हो अमेजोन से, आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ना लॉक मिलेगा, ना सीट मिलेंगी, ना मडगार्ड मिलेगा. नॉर्मल आपको साइकिल की बॉडी एंड जो जो एक मैंडेटरी चीज़ें होती है वो मिलेगी, ठीक है. अब साइकिल जब मिली मुझे, तो क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से चेन्नई से ट्रैवल करके आती है, मैं अमरावती में रहता हूँ तो अमरावती में ये डिलीवर हुई है. अब जब वो यहाँ पर पहुँची तो इसमें शिपमेंट में जो भी इशूज़ आते हैं, अब जैसे बॉक्स हिल गया, कोई कहीं कुछ प्रेशर आ गया, तो बॉडी पर अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है. तो यहाँ का जो पीछे के जो 7 गियर है, ये थोड़े ज़्यादा वॉबल कर रहे थे. अब वो वॉबल कर रहे थे तो मेरे समझ नहीं आया इज़ इट अ प्रॉब्लम या इज़ इट नॉर्मल. तो जब मैंने साइकिल स्टोर वाले को पूछा तो वो जितना वॉबल कर रहा था वो थोड़ा ज़्यादा वॉबल कर रहा था, तो उसने कुछ वहाँ पर स्क्रूज़ टाइटन अप किए एंड इट इज़ नॉर्मल नाउ. सो बेसिकली जब साइकिल मुझे मिली और जब मैं इसको यहाँ पर स्टोर में लिख गया, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मेरे समझ में नहीं आ रही थी, आई ट्राइड गेटिंग इन टच विथ ट्राइड साइकिल कस्टमर केयर. काफ़ी हेल्पफुल बंदे हैं वो लोग, लेकिन वही होता है कि मतलब फ़ोन पे आपको क्या ही कैसे समझा लेंगे, राइट. तो साइकिल मिलने के बाद मुझे स्टोर पर जाना पड़ा यहाँ पर फिटिंग कराने के लिए कुछ चीज़ों की. साइकिल वैसे आपको फुल्ली फिटेड आती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये हैंडल जो है वो टेढ़ा आएगा, उसको आपको सीधा करना होता है. उसके बाद पैडल्स जो है वो निकले आते हैं, वो पैडल्स लगाना होता है. इट्स ऑल ईजी. बदन कैसा होता है, जैसे मेरा जो दोनों चक्के थे वो थोड़े डक थे, एज इन थोड़ा मतलब वो स्ट्रेट नहीं घूम रहे थे, तो वो बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बट देन वो अपने ख्याल में नहीं आता. तो फिर वो साइकिल फिटिंग वाले ने करवाया, उसके बाद वॉबल वाला जो मैंने बताया वो उसने करवाया. थर्ड प्रॉब्लम था कि जो इसके डिस्क है, ठीक है, जब चक्का घूम रहा था तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही थी, मतलब कुछ रबर के पैड्स होंगे जो घिस रहे थे. तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आप घर पे नहीं सॉर्ट कर सकते हो, तो मुझे वो साइकिल स्टोर ले जाके उसको दिखाकर वो सारी चीज़ें सॉर्ट करवानी पड़ी. तो अभी इट्स ऑल गुड टू राइड. तो बेसिकली जो बॉक्स पे लिख के आता है कि रेडी टू राइड, वो एक्चुअली रेडी टू राइड नहीं होता है, बट मतलब उनके तौर पे वो काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट करके देते हैं, बट देन प्रैक्टिकल चीज़ है, इतना रेडी टू राइड कंडीशन में आपको साइकिल नहीं मिलेंगी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो. तो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट लुक्स. वेट में जो मैं सोचा था कि अलॉय फ्रेम है तो काफ़ी हल्की होंगी, इतनी हल्की नहीं है जितना मैंने सोचा था. तो वो एक चीज़ थी जो थोड़ी सरप्राइज की मुझे. ऑनलाइन चीज़ें खरीदने का यही एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको मतलब इतना करेक्ट आइडिया नहीं आता है, राइट. और बाकी तो ऑल गुड है. मेरे ख्याल से फ्रेम थोड़ी छोटी है, ये पिक्चर्स में समझ में नहीं आता है. जब आप ऑनलाइन पिक्चर्स देखते हो आपको लगता है दिस इज़ ऑल नॉर्मल, राइट. तो मेरी हाइट है 6'2", उसके हिसाब से जो फ्रेम है ये मतलब वो साइकिल स्टोर वाला भी कल बोल रहा था कि ये फ्रेम आपकी थोड़ी छोटी हो गई है, अगर फ्रेम का साइज़ आप बढ़ा लेते तो आपके हाइट को वो जस्टिफाई करता. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. 2 दिन से मैं साइकिल चला रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. मैं ऐसे मतलब कंक्लूड तो नहीं कर सकता कि ट्राइड को मैं आउट ऑफ मार्क्स दूंगा. कुछ दिन और चलाते हैं, कुछ महीने और चलाते हैं, देखते हाउ दिस मशीन रिएक्ट्स, एंड उसके बाद हम इसका फाइनल रिव्यू देंगे. बट इनिशियल इम्प्रेशंस यही है. कोई भी क्वेश्चन हो गाइज, प्लीज़ पुट डाउन इन कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प.